आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जहां से अच्छे रिटर्न्स तो मिल जाए लेकिन रेगुलर इनकम भी जनरेट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहे। जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, वहां से अच्छे प्रॉफिट मिल जाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो वहां पर काफी नुकसान भी हो सकता है और ये हम सबको पता होता है, इस वजह से हम डरते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना एकमात्र तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और रेगुलर इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आप कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है, तभी जाकर आपको वहां से मंथली इनकम क्रिएट करेगी और इस मंथली इनकम को बोलते हैं डिविडेंड स्टॉक इनकम। इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स आखिर होते क्या हैं, किस तरीके से आपको डिविडेंड स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिस्ट दूंगी डिविडेंड स्टॉक्स की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के डिविडेंड स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में और आप उस बेसिस पे अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले तो हमने बात कर ली कि वो लोग जिनको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है, साथ ही साथ वो अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, या आपका जस्ट रिटायरमेंट हुआ है, आपके पास बहुत सारा लमसम आ गया है, अब आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है जस्ट लाइक सैलरी, तो आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स आखिर वर्क कैसे करते हैं? देखिए, जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप शेयर होल्डर हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब कभी भी कंपनीज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो कुछ कंपनीज क्या करती है, उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर देती है उस कंपनी के ग्रोथ में। लेकिन अगर कंपनी बहुत बड़ी है, पहले से वेल एस्टैब्लिश है, तो उसको उस पूरे प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या करती है, उसके कुछ पोर्शन को रीइन्वेस्ट कर देती है और कुछ पोर्शन अपने स्टॉक होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उससे क्या फायदे होते हैं? उससे क्या होता है कि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे एस्टैब्लिश होता है और इंक्रीज होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत डिविडेंड स्टॉक्स पिक कर लिए ना तो आपको फायदा नहीं नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे आपको डिविडेंड स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए? पैरामीटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनमें से 5 मेजर पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे हम अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है डिविडेंड यील्ड का। हमने बहुत सुना है कि जिस भी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड हाई होता है वो स्टॉक्स बेटर परफॉर्मर होते हैं, वहां से आपको बेटर डिविडेंड्स मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड आखिर होती क्या है। डिविडेंड यील्ड होती है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। लेट्स से किसी कंपनी के एक स्टॉक की वैल्यू है 150 रुपीज और उस कंपनी ने एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपए का पर शेयर, तो वहां पे डिविडेंड यील्ड कितनी हो जाएगी, 10/150 × 100 which is equal to 6.67%। और कहा जाता है कि जिस भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2-6% के बीच में होते हैं वो हाई परफॉर्मर्स होते हैं और ये देखकर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से हाई परफॉर्मर स्टॉक्स हैं? कितनी बार हाई परफॉर्मर स्टॉक्स का सिलेक्शन केवल डिविडेंड यील्ड के हिसाब से होता है, लेकिन क्या वो सही है? हम क्विकली इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए मैं एक वेबसाइट पे गई हूँ जिसका नाम है screener.com। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरे को ये ठीक लगी वेबसाइट, इस वजह से मैंने यहाँ पर मैं गई हूँ। तो अगर यहाँ पर वो सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने उस स्टॉक्स का सिलेक्शन किया डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, और जैसे ही मैंने यहाँ पर वो फिल्टर ऐड किया तो सारे स्टॉक्स लिस्ट डाउन हो गए एज पर दी डिविडेंड यील्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पहला स्टॉक है वो है टपारिया टूल्स लिमिटेड, उसका डिविडेंड यील्ड 8.37 है, तो क्या ये हाई परफॉर्मेंस स्टॉक है? इसका मार्केट कैप ही है 5.62, तो इस कंपनी का खुद का कैपिटलाइजेशन इतना लो है, अगर इस कंपनी को लॉसेस हो गए तो क्या वो हाई डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी?
इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कोई कंपनी ए है, उसके स्टॉक प्राइसेस हैं 2000 रुपीज, का डिविडेंड यील्ड 5% का है, तो एक्चुअल में कितना अमाउंट वो देगी, 100 रुपीज देगी पर शेयर। लेकिन वही दूसरी कंपनी है जिसके स्टॉक प्राइसेस 500 रुपए के हैं, उसका डिविडेंड यील्ड हाई है विच इज अराउंड 10%, वो कंपनी देगी 50 रुपीज पर शेयर एट द डिविडेंड यील्ड। तो परसेंटेज से नहीं बल्कि आप अमाउंट से चेक कीजिए कि वो कंपनी आपको कितने का डिविडेंड दे रही है। लास्ट में तो आपको अमाउंट ही चाहिए ना, पैसा ही चाहिए। अगर कोई कंपनी का डिविडेंड यील्ड कम भी है लेकिन वो हाई डिविडेंड अमाउंट दे रही है पर शेयर, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। कितनी बार डिविडेंड यील्ड इसलिए भी हाई होता है क्योंकि उसके स्टॉक प्राइसेस पर शेयर जो है वो गिर गए हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का फेथ उस कंपनी में कम हो रहा है, वो नहीं बाय करना चाहते हैं उस कंपनी के स्टॉक्स, तो ये भी एक कारण होता है जिस वजह से डिविडेंड यील्ड हाई होती है। और कितनी बार डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी की कम है ना, तो उसका एक रीजन होता है कि उसके प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो गए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। और जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, जो कि मार्केट में बहुत लंबे टाइम से हैं, तो वो कंपनीज के डिविडेंड यील्ड हो सकता है आपको कम दिखाई दे लेकिन वो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन्वेस्टर्स के बीच में वो हाई हो सकता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी जिनके डिविडेंड यील्ड हाई तो हो रहे हैं लेकिन हो सकता है वो लॉसेस से सफर कर रही हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के शेयर्स में कम इन्वेस्ट कर रहे होंगे और इसी वजह से उसका जो प्राइस पर शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि डिविडेंड यील्ड को इम्पैक्ट करते हैं। ये था फर्स्ट पैरामीटर। अब दूसरा पैरामीटर आता है पेआउट रेशियो। पेआउट रेशियो क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। कंपनी ने टोटल डिविडेंड्स कितने पे किए बाय नेट इनकम उस कंपनी की कितनी थी इनटू 100। लेट्स से कंपनी ने 10,000 रुपीज के डिविडेंड डिक्लेयर किए, उसका जो नेट इनकम है वो 50,000 रुपीज का है, तो पे आउट रेशियो कितना आ गया, 20%। इसका मतलब है उस कंपनी ने 100 रुपीज में से 20 रुपीज एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर किसी कंपनी का लार्ज पे आउट रेशियो होता है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी अच्छे खासे डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वो कंपनी जिनकी स्टेबल अर्निंग है, कैश फ्लो अच्छा है, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन में ना इस डिविडेंड पे आउट रेशियो को सस्टेन कर सकती हैं और वो लंबे समय तक आपको डिविडेंड्स दे सकती हैं। अब मैंने स्क्रीनर पे जाके ना पे आउट रेशियो के हिसाब से फिल्टर आउट कर दिया। अब यहाँ पर जो कंपनी टॉप पर है उसका पे आउट रेशियो दिखा रहा है 95.44। इसका मतलब है कि उस कंपनी को जितना भी 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसमें से 95 रुपीज तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये कंपनी जो है जिसका मार्केट कैप अभी उतना ज्यादा नहीं है, मुझे तो लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए ना, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोशिश करूंगी जो कि प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करे और अपने ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करे। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे जाते हैं जो कि है EBITDA, जिसका मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बहुत सिंपल है, एक कंपनी का नेट इनकम कितना है उसमें से उसने अपने सारे एसेंशियल एक्सपेंसेस जब हटा दिए वो जो वैल्यू बची वो होता है कंपनी का EBITDA। किसी भी कंपनी का ये पैरामीटर हाई होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है और इसको हमेशा दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं। अब मैंने इस कंपनी के इस पैरामीटर को फिल्टर आउट कर दिया है और उस बेसिस पे मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई है हर एक कंपनी की ये पैरामीटर वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है रिलायंस का स्टॉक आ रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी हाई है, इस वजह से इसकी EBITDA वैल्यू हाई है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज होगी जिसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी और इसको हमेशा दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में हमें चेक करना होता है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कंपनी है ए और कंपनी है बी, दोनों के नेट प्रॉफिट्स 10 करोड़ रुपीज के हैं और उसने अपने सारे ऑपरेशनल कॉस्ट हटाने के बाद एक कंपनी ए का नेट प्रॉफिट आता है 12.5 करोड़, कंपनी बी का नेट प्रॉफिट आता है 13 करोड़। यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो कंपनी बी है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई है, इस वजह से वो सेम इनकम पे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पा रही है, तो आप इस साइड के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम फोर्थ पैरामीटर में जाते हैं जो कि है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी क्या है, कंपनी आपको जितना भी प्रॉफिट दे रही है उसके अगेंस्ट में उसने कितना डेट लिया है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी, डेट बाय इक्विटी इनटू 100। और किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है इसका मतलब है इन्वेस्टर्स प्लीज सावधान हो जाएंगे क्योंकि उस कंपनी ने प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए बहुत सारा डेट लिया है, तो हो सकता है जब मार्केट क्रैश करे ना तो वो कंपनी तो पहले कोशिश करेगी ना कि अपने डेट्स
को पे करें तब जाके आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जबकि वो कंपनी जिसका ये रेशियो कम है, इसका मतलब है उसने हर एक प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कम डेट लिया है, और जब भी मार्केट क्रैश होगा तो वो उसको कम डेट्स पे करने होंगे, और हो सकता है कि वो जो डिविडेंड आपको पे कर रही है उस पे उसका इम्पैक्ट कम हो। इस पैरामीटर के बेसिस पे भी मैंने पूरी लिस्ट को फिल्टर आउट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक कंपनी का डेट टू इक्विटी वैल्यू आ चुकी है। फिफ्थ पैरामीटर जो कि बहुत इसेंशियल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले तो होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, वो फोरसीन वैल्यू होती है। मतलब उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर कितना प्राइस पर शेयर देने के लिए रेडी है। तो कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल काउंट ऑफ शेयर से, उससे उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगा। जिस भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू हाई है, वो कंपनी का नेट साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो कंपनी हो सकता है कि मार्केट में बहुत लंबे समय से, तभी उसने इतने का नेटवर्थ क्रिएट किया है। और आप इस टाइप की कंपनीज पे ना भरोसा ज्यादा दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा ये इवैल्यूएट करने के लिए कि आपको क्या कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है व्हाइल सिलेक्टिंग डिविडेंड स्टॉक्स। एक और पैरामीटर है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है एक्स डिविडेंड डेट। ये क्या होता है? जिस भी डेट पर कंपनीज डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं उसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपने उस कंपनी में उस दिन या उसके बाद में इन्वेस्ट किया है तो आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उससे पहले आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो डिविडेंड मिल जाएगा। अब जो स्क्रीन पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं वो हाई परफॉर्मर डिविडेंड स्टॉक्स की लिस्ट है, और उनका कैटेगराइजेशन किया गया है उनके पे आउट रेशियो के हिसाब से। उनका 3 ईयर का हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, उनका शेयर प्राइस कितना है, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। हमने अभी तक जितने भी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा डिविडेंड स्टॉक बेटर है। देखिए, जब कभी भी आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो अपना खुद का दौरो रिसर्च करें। मैं क्या बोल रही हूँ या कोई और यूट्यूबर क्या बोल रहा है, हर कोई अपने स्टैंड पॉइंट से बोलता है, अपने एनालिसिस के बेसिस पे बोलता है। आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो प्लीज अपना दौरो रिसर्च करें, और जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको पता होने चाहिए, और तभी जाकर आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स ही स्टॉक इनकम के बारे में। आशा करती हूँ ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो या क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रियादास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।